अब बुलाते हैं पंडित रविशंकर युवा पुरस्कार से सम्मानित सुलेमान को, आए हैं पंजाब से और पेश करेंगे बांसुरी वादन। मैं सुरेश पाल, सुलेमान का फादर हूँ। तो 3 साल से इसने स्टार्ट किया, तो काफी मेहनत करनी पड़ी जहाँ तक आने के लिए भी। तो एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म भी है स्पिक मैके का, दूरदर्शन के द्वारा। तो आज भी हम सोच रहे हैं कि जहाँ तक उम्मीद तो थी नहीं भी थी, तो लेकिन ऊपर वाले की सारी कृपा है। तो आज भी हम यही चाहेंगे, हम अपना बेस्ट दें, सुलेमान अपना अच्छा बजाए। स्कूल में भी ये अच्छा है, हमारे प्रिंसिपल सुनीता बाबूजी ने इसको इधर इतनी दूर भेजा है, उनकी वजह से ही ये सारा कुछ अभी हो रहा है। तो मैं ये भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ ये और आगे गुरुओं का आशीर्वाद ले। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये प्लेटफॉर्म में पहुँचा हूँ, आज फाइनल है, तो आज फिर मैं अच्छा बजाऊंगा आज। तो मैं अपने स्कूल वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इधर भेजा, और मैं हरिप्रसाद चौसा जी से सीखता हूँ और जीतने की कोशिश करूँगा, पूरी करूँगा। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, मेरा नाम सुलेमान है, मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ। तो मैं आपको राग जोग में अलाप और जोड़ लाप मत ताल में एक रचना और मध्य और ध्रुव 3 ताल में बजाऊंगा। Thank you.
बेटा ये बताओ आपकी उम्र कितनी है? 11। 11। और ये आपको कैसे ख्याल आया कि मैं बांसुरी सीखूं? मैं अपने फादर से सीखा था। हाँ, उसके बाद? उसके बाद मैं पंडित हरिप्रसाद जैसे जी से सीखता हूँ। वो तो आपके बजाने के एक एक चीज से लग रहा है कि इनका आवाज बज रहा है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आपको इतना अच्छा स्वर मिला है और टाइम की जो सेंस है कि 10 मिनट के अंदर आलाप जोड़ भी बता दिया कि मैं कहाँ तक पहुंच है, 9 मात्रा के ताल में क्या हो सकता है वो भी बता दिया और द्रुत में भी बता दिया। तो ये टाइम का जो म्यूजिशियन को कई दफा अंदाजा नहीं रहता कि एक घंटा जब बजाना है तो क्या बजाएंगे, 10 मिनट बजाना है तो क्या बजाएंगे, ये भगवान की देन है, आपको जीते रहो। दूरदर्शन के दर्शकों को कहना चाहूंगा, हमें यह सवाल पूछा जाता है कि आजकल क्लासिकल म्यूजिक कोई सीख रहा है, कोई सुन रहा है, उनके लिए यह जवाब है कितनी प्रतिभा हमारे देश में है, क्या बात, और ये इस प्रोग्राम ने सिद्ध कर दिया है। और ऐसे कितने और कलाकार होंगे और जिनको इससे प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं दूरदर्शन को और स्पेक मेके को भी मुबारकबाद देता हूं ये चीज। किरण सेठ जी, आपके कानों को ये बात बहुत ही अच्छी लगी होगी जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा है कि इसमें आप कामयाब हैं, बहुत बहुत मुबारक बेटा, जीते रहो, खुश रहो, ब्लेसिंग्स।